हाय गाइस, मैं शांत नो, आप देख रहे हैं टेक्निकल शांत, और स्टूडियो में मैं आपको तीन इंटरेस्टिंग डार्क थीम सर्च करने वाला हूँ सभी शाओमी डिवाइस के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप MIUI 12 के लिए डार्क थीम सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको तीन थीम सर्च करने वाला हूँ। तो अगर आप फर्स्ट थीम का गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में देखिएगा तो इसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग और क्लीन मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्वायर में देखने को मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा कुछ आइकन पैक चाहिए था और क्लीन और मिनिमल लुक चाहिए तो ये थीम आप ऑब्वियसली ट्राई कीजिए। इसमें आपको वॉलपेपर चेंज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अगर थीम का बीच में और मतलब फोल्डर्स के बीच में टैप कीजिए तो आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। और अगर आप देखिए इसका कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्वायर टॉगल्स देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली बोले तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर आप देखें तो दोनों आपका जो है थीम मतलब पूरा कॉम्बिनेशन जो काफी क्लीन और मिनिमल लुक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग में, तो सेटिंग में भी आपको न्यू टाइप का टॉगल्स देखने को मिलेगा, जो कि कलरफुल टॉगल्स है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लैक टेक्स्ट। और अगर आप डार्क मोड अनेबल कर लीजिए तो आपका डार्क मोड भी इसमें सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली तीनों थीम्स में सपोर्ट करता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं डार्क मोड के साथ भी, जो कि उसमें भी आपको काफी इंटरेस्टिंग और क्लीन लुक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा इसका एडिशनल सेटिंग में, तो एडिशनल सेटिंग में भी आपको सेम टू सेम जो चेंजेस वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो लुक है आपका कंसिस्टेंट लुक आपको देखने को हर एक जगह देखने को मिलने वाला। और अगर आप जाइएगा इसका डायलर में, तो डायलर में आपका चेंज नहीं होता है ना मैसेजेस ऐप में, जो कि मेरे को थोड़ा सा मतलब खराब लगा क्योंकि सब कुछ में चेंजेस है, बट ये सब में सिंपल रखा गया है, जो कि एक तरफ से अच्छा। अगर आप ज्यादा हटके थीम नहीं यूज करना चाहते, बस एक थीम यूज करना चाहते जो कि आपका परफेक्ट लुक दे सके, तो ये थीम एक बार ट्राई कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको मतलब अगर आप लॉक स्क्रीन में देखेगा तो आपको सिंपल MIUI 12 को ही थोड़ा मॉड करके लॉक स्क्रीन को बना दिया गया है, जो कि आप अगर लेफ्ट तरफ स्वाइप कीजिएगा तो आपको म्यूजिक का ऐप देखने को मिल जाएगा, मतलब कि म्यूजिक का वही टॉगल देखने को मिल जाएगा, ये विजिट आप बोल सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसमें आपको नीचे में नया टॉगल्स देखने को मिलने वाला है, जो कि पर्सनली काफी मतलब इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको सिंपली ये थीम डाउनलोड करना है सिंपल और क्लीन, तो रैप सिंपली सर्च कर सकते हैं, रैप सिर्फ सर्च कीजिए थीम ऐप में जाके, तो आपको ये थीम मिल जाना चाहिए। और नहीं मिले तो रीजन को इंडिया में सेट कीजिए और फिर आप सर्च कीजिए रैप सिफ्ट, तो तब आपको थीम मिल जाएगा। सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए और दूसरा थीम के लिए वेट कीजिए। तो अगर आप देखिए सेकंड थीम, तो सेकंड थीम भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, और अगर आप उसका आइकन पैक देखिए तो इसमें भी आपको राउंड मतलब कि स्क्वायर आइकन पैक देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखिए तो इसमें आपको मतलब कि होम स्क्रीन, टूल का फोल्डर और मतलब बाकी जैसे भी आप आइकन पैक देखिए तो इसमें आपको राउंडेड एजेस देखने को मिलने वाला सभी आइकन में, जो कि काफ़ी क्लीन और मिनिमल लुक दे सकते हैं इसमें भी। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था कलरफुल और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थीम, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अगर कंट्रोल सेंटर में देखो तो उसमें आपको सेम टू सेम टॉगल्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपका इसमें भी राउंडेड एजेस जो आइकन के साथ आपका मैच कर जाएगा। और अगर आप देखिए इसका सेटिंग्स में, तो सेटिंग में भी आपको न्यू टाइप का टॉगल्स देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बैकग्राउंड देखिए तो उसमें व्हाइट, और ये भी आपका डार्क मोड सपोर्ट करता है, जो कि अगर आप डार्क मोड में अनेबल करके रहिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लुक देखने को मिल जाएगा। तो पर्सनली मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, एक मतलब कि अगर थीम के हिसाब से बोलेंगे तो ये काफ़ी क्लीन और मिनिमल थीम है, जो कि एक बार शायद आपको ट्राई कर लेना चाहिए तीनों में से सभी मतलब थीम्स को, और बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा। और अगर आपको तीनों ही अच्छा लगा तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप उसका डायलर देखिए तो डायलर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, मैसेजेस ऐप में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाला, ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब कि ज़्यादा ट्वीक नहीं किया गया। और अगर आप उसका होम स्क्रीन में देखें तो उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग विजिट्स देखने को मिल जाता है, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी पसंद है। और अगर आप देखिए इसका लॉक स्क्रीन में, तो लॉक स्क्रीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको विजिट देखने को मिलता है, जो कि आपका ये ओरिजिन ओएस से इंस्पायर्ड है। तो ओरिजिन ओएस का आजकल थीम्स काफ़ी मतलब हाईलाइटेड है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको इंटरेस्टिंग लुक के साथ देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको जो पूरा लुक है ये आपका ओरिजिन इंस्पायर्ड लुक देखने को मिल जाता है। जितना ही विजिट्स है, बैटरी बार है और आपका स्टेप बार है, सभी कुछ आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है ओरिजिन ओएस से। और इसमें आप लेफ्ट तरफ स्वाइप की जाए तो और आपको टॉगल्स और आपको विजिट्स देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है तो आपको सर्च करना होगा एपिक्स यूआई V12, जैसे आप सर्च कीजिएगा थीम ऐप पे जाके एपिक्स यूआई V12, तो आपको ये थीम मिल जाएगा। और अगर आपको थीम मिल गया तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको थीम अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लास्ट थीम देखिए तो लास्ट थीम आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप उसका आइकन पैक देखिएगा तो इसमें आपको राउंड ब्लैक बॉर्डर्स देखने को मिल जाता है आइकन के साइड में, और मतलब बॉर्डर्स। और अगर आप देखिए तो सभी आइकन सेम टू सेम आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, और काफ़ी कलरफुल और मिनिमल आइकन पैक देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन टूल का फोल्डर में। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्लीन इंटरेस्टिंग मतलब कि थीम चाहिए, आइकन पैक चाहिए अच्छा वाला, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको जो कंट्रोल सेंटर है वो भी आपको काफ़ी न्यू टाइप का
और इंटरेस्टिंग टाइप का देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको मतलब टॉगल्स अगर आप देखें तो काफ़ी कलरफुल देखने को मिलेगा, और अनेबल की जाए तो आपका कलर्स हर एक टॉगल्स का अलग अलग होने वाला है। और अगर आप देखिएगा इसका तो ये आपका पूरा डार्क मोड अनेबल पहले से है, जिसमें कि आपको सेटिंग बैकग्राउंड ब्लैक देखने को मिल जाएगा, कलरफुल टॉगल्स देखने को मिल जाएगा व्हाइट फॉन्ट के साथ, तो ऑब्वियसली थीम आपका इंटरेस्टिंग है। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग्स पे तो इसमें आपको अवार्ड फोन में देखने को मिल जाएगा मी वे 12 का नया वर्जन, जो कि मतलब लुक जो है वो आपका नया लुक देखने को मिलने वाला है। और अगर आप देखिएगा ऑल स्पेक्स तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो इस पर पर्सनली अगर आप बोलिएगा तो ये थीम काफ़ी क्लीन, काफ़ी मिनिमल और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ ये देखने को मिलने वाला। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो इसके एक बार ट्राई कीजिए। डायलर भी आपका चेंज हो जाता है, मैसेजेस ऐप भी आपका चेंज हो जाता है, तो ज़्यादातर इसमें चेंजेस देखने को मिल जाता है, जो कि शायद आपको एक बार ये थीम ट्राई कर लेना चाहिए। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 40K जल्दी कर दीजिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लीज़ यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसका लॉक स्क्रीन देखिए तो लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाता है। अगर आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप कीजिए तो इसमें आपको ऐप सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम नीचे स्विच भी कर सकते हैं, टॉगल्स कुछ देखने को मिल जाएगा, डायनामिक वॉलपेपर और आपका थोड़ा बहुत और भी कुछ फीचर्स है जो कि आप खुद यूज़ कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर्स है और लॉक स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखिएगा मतलब कि मेन होम स्क्रीन मतलब मेन लॉक स्क्रीन में ये तो आप स्वाइप डाउन कीजिएगा तो ऐसा कुछ टॉगल्स देखने को मिलने वाला, म्यूजिक का मतलब कि म्यूजिक, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और आपका मतलब वही वॉच फेस। और अगर आप सिंपली इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सर्च करना होगा एस्टोमॉस्फेरा, जो कि एस्टोमॉस्फेरा V12 अजीब नाम है, ATMOSFERA जो भी है, एस्टोमॉस्फेरा V12 सर्च कीजिए, थीम ऐप में जाके आपको थीम मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, अप्लाई कीजिए और बताइए आपको तीनों थीम्स कैसा लगा। और कुछ सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कर सकते हैं, बेल आइकन को टैप करने के बाद आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट कीजिए, कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका टाइम देने के लिए बहुत ही थैंक यू। और मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।